बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष कमजोर है और विपक्ष दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका इलू इलू का संबंध है, वो इलू इलू का संबंध खत्म करने अब झाड़ू आई है। राजेंद्र शुक्ला, जिनको इस प्रकार के तुच्छ व्यक्तियों को पालने की आदत है, कभी प्रोफेसर को मारना, कभी चंदा सूलना, टीआरएस कॉलेज के अंदर 10 रुपए वसूलना, नवनीत भसीन जी, डीजीपी महोदय मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ के मुख्य दर्शक बने रहे कलेक्टर महोदय मिस्टर पुष्प, उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके इनके प्रोटोकॉल क्या होते हैं। पर जो पत्रकार पत्रकारिता करता होगा वो सच्चा पत्रकार हो, कभी इनसे डरने और दबने वाला नहीं है। खबर इस तरह जारी रहेगी, खासकर मैं बता दूं तो मैं तो इनसे डरने वाला नहीं हूँ। खबर जब तक मिलती रहेगी तब तक मैं पोस्ट डालता रहूँ। बिल्कुल सिवान बना दिए, सिवान के शाहबुद्दीन के दर्जा दिए है सिमरिया की जनता ने, वो बिल्कुल विधायक जी ने सिद्ध कर दिया। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं रूपा सिंह एक बार फिर हाजिर हूं एक ऐसी खबर लेकर जो अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से जुड़ी हुई है। दरअसल विधायक केपी त्रिपाठी अपनी जन विरोधी कारगुजारियों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। इनकी चर्चा विकास के लिए कम, गुंडई, दादागिरी, लोगों के साथ अभद्रता करना, अनैतिक रूप से दबाव बनाकर कर्मचारियों से भुगतान कराने के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। मामला इसलिए भी तूल पकड़ता है क्योंकि विधायक आए दिन अनगरल बयान देते रहते हैं। विधायक खुद गलती करें और प्रोटोकॉल तोड़ने की दुहाई देते हुए कर्मचारियों पर आरोप लगाते हैं, जबकि विधायक को खुद नहीं पता है कि विधायक का प्रोटोकॉल क्या है और कर्मचारी अधिकारियों के प्रोटोकॉल क्या हैं। विधायक को शायद खुद यह नहीं मालूम कि उनके क्षेत्र की 40,000 जनता जिसने उन्हें वोट दिया है वह उनके साथ हो सकती है, जिन्हें आप नाजायज लाभ दिला रहे हैं वह आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख मतदाता आपके विरोध में भी है जो आपके कारनामों को मीडिया के माध्यम से उजागर करते रहते हैं। दरअसल मामला सिरमौर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर हमले से जुड़ा हुआ है। विधायक का धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद जनपद सीईओ के ऊपर हमला किया गया। हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि विधायक केपी त्रिपाठी के खास मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू, विनय शुक्ला, ध्रुव तिवारी, मनीष शुक्ला का ड्राइवर, सिमरिया मीडिया प्रभारी विवेक गौतम के साथ अन्य थे। विपक्ष के मौका पाते ही प्रशासन को घेरा तो प्रशासन ने आनन फानन में FIR दर्ज कर विधायक पर दबाव बनाया, तो विधायक ने 4 गुर्गों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विधायक की सीईओ से बात से लेकर हमला और हमले के बाद FIR दर्ज, फिर FIR दर्ज से गिरफ्तारी, सरेंडर तक चर्चा का विषय बना रहा। इसकी वजह यह थी कि विधायक ने इस मामले में जमकर दखलअंदाजी की। एक जनप्रतिनिधि का पहला धमकी देना, हमला होने के बाद अपराधियों के पक्ष में आकर मीडिया और विपक्ष पर निशाना साधना, यह दिखाता है कि विधायक का अपराधी कनेक्शन है और वह संरक्षण दे रहे हैं। मामला उस समय फिर सुर्खियों में आ गया जब विधायक केपी त्रिपाठी गत दिवस केंद्रीय जेल रीवा पहुंचे और जेल में बंद 4 हत्या के प्रयास के आरोपियों से मिलकर उन्हें VIP ट्रीटमेंट देने के लिए उप जेल अधीक्षक रवि शंकर सिंह पर दबाव बनाया। बात मीडिया तक पहुंची और इसकी शिकायत गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हुई, तो आनन फानन में उप जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह को हटा दिया गया। आपको यह सब बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि जनता प्रतिनिधि चुनती है, वह इसलिए कि जनता के हित के लिए योजनाएं बनाए और योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जवाबदारी प्रशासन की होती है। लेकिन वही विधायक जो 2 लाख वोटरों में से 40,000 वोट पाकर पूरी जनता पर शासन करता है, प्रशासन पर अनैतिक दबाव बनाकर लूट खसोट करता है, तो विपक्ष के साथ 1.5 लाख लोग विरोधी हो जाते हैं और सबक सिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो नेता उनका दमन करने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करता है। यही वजह है कि विधायक केपी त्रिपाठी की हर करतूत मीडिया के पास यहाँ की जनता पहुँचा देती है। अब तो विपक्ष का यह कहना है कि विधायक केपी त्रिपाठी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र को सिवान बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, विधायक के केपी त्रिपाठी को राजनीति में लाने वाले रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला पर भी लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है और यह मानते हैं कि उन्हीं के इशारे पर विधायक केपी त्रिपाठी अनैतिक कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी इनकी मनमानी का विरोध किया और गलत भुगतान पर रोक लगाई तो उसके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ।
उसी मामले में एक जेल का अधिकारी इनकी बात को माना और अपराधियों से मिलवाने ले गया तो तत्काल प्रभाव से मुख्यालय अटैच हो गया। जब जनप्रतिनिधि जनता के काम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाता है तो उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जब अवैध रूप से वसूली, अवैध रूप से अपने चहेतों के खातों में पैसे डालने, गलत ढंग से विरोधियों को मामले में फंसाने, अपने लोगों को जांच के नाम पर बरी करवाने का दबाव बनाता है तो चारों तरफ थूथू होती है। इन मुद्दों को लेकर हमारे चैनल है ड्रामानंद पांडे ने विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आप पार्टी और मीसाबंदी के साथ साथ इन मुद्दों को उठाने वाले लोगों से चर्चा की तो लोगों ने माना कि जिस तरह से विधायक का तांडव जारी है वह रीवा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के लिए शर्म की बात है, क्योंकि इस तरह के कर्मचारियों पर हमला हुआ और पूरा प्रशासन विधायक के साथ खड़ा दिखा उससे कर्मचारियों के मनोबल टूटता है। आइए आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट और मिलवाते हैं जानकारों से उनका पूरा इस मामले में क्या कहना है। इस समय जो राजनीति प्रदेश में चल रही है, केंद्र में चल रही है, वह कई तरह से उथल पुथल मचाने वाली है, या यह कहें कि विरोधियों को कुचलने वाली राजनीति चल रही है। सत्ताधारी पार्टी करे तो सब जायज, आम जनता विपक्षी करे तो टोटल नाजायज। ऐसे ही मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रीवा से प्रत्याशी रह चुके शुभ्रांशु द्विवेदी जी हैं, जो आप पार्टी का नेतृत्व करते हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की राजनीति चल रही है और इनका नज़रिया क्या है, किस नज़रिए से देखते हैं। अब ये जो लोकतंत्र है, ये जनता का मत है, लेकिन अब बीजेपी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत मानसिक पीड़ित है, और पिछले 60 सालों में इन्होंने विपक्ष की राजनीति करी, तो अब सत्ता मिली है इनको, तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण हो गए हैं। अब ये हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में, कहीं इनका कहना ना मानो तो ईडी करवाते हैं, सीबीआई करवाते हैं। अभी गुजरात में हमारे साथी के साथ मारपीट हुई, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कुल मिला के जो है समुद्र मंथन जैसा है, और मंथन के बाद विष के बाद अमृत निकलेगा, और आगामी चुनाव जितने भी होंगे वहाँ पे हमारा दिल्ली मॉडल चलेगा, और दिल्ली मॉडल के साथ आम आदमी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, है ना। जो आज नेता मंत्रियों को चीज़ें मिल रही हैं, हम उसके विरोध में खड़े हैं, और वो अभी तक जो 60-70 साल में हो रहा था वो उन लोगों को पच नहीं रहा। वो कहते हैं कि ये सुविधाएं आप जनता को क्यों दे रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग ये लूट तंत्र में हिस्सेदार नहीं हैं। अभी आपने देखा कि सिरमौर में, रीवा की अगर बात करें तो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में सिरमौर जनपद में सीओ के साथ मारपीट हुई। मारपीट इसलिए हुई कि वो नाजायज दबाव बना रहे थे, विधायक भुगतान करने के लिए बता रहे थे, अपने मीडिया सेल का जो प्रभारी है उसके खाते में डाल रहे थे, नहीं किया तो मारपीट हुई, आरोपी 307 लगा जेल गए। अब आप जेल भी चले जाते हैं और जेल में उनका बचाव करते हैं, आप करो तो कहते हो कि मेरा ये प्रोटोकॉल है, जेल जाते हो तो आप कहते हो प्रोटोकॉल है, मैं निरीक्षक है, ये क्या चल रहा है। अब ये केपी भाई के लिए तो मैं निशब्द हूँ। अब आदमी भी किसी के चलाए से चलता है, एक्चुअली नियति जो होती है, चरित्र जो होता है, वो अपने आप काम कर रहा है, और अब इतने माने चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं। आप अब इस मॉडर्न ज़माने में 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, आज भी आप अनीति खुलेआम करना चाह रहे हैं। फ़ोन में उनका वीडियो आया, उन्होंने ज़बरदस्ती पैसा मांगा, उन्होंने मना करा तो उनके साथ मारपीट हो गई, और जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया उस दिन पानी में बैठे हम लोग 10 घंटे, उसके बाद ये सब लोग गिरफ्तार हुए। अब गिरफ्तार होने के बाद केपी विधायक जी कभी इसके पहले निरीक्षण नहीं करे, और किस हक से वो जेल में गए और क्या निरीक्षण किया, माने अपने गुर्गों का हालचाल देखने गए थे, सुविधा दिलवाने है ना, और ये दुनिया को दिखाने गए थे कि वो उनके साथ हैं, जिसको जो कुछ करना हो कर लो। अब ये जनता जनार्दन देख रही है, और ये सारे दुष्टों का नाश अब जनता ही करेगी, क्योंकि लड़ाई तो आम आदमी की है ना, हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं मिला हुआ है और बहुत दूषित है। क्या लगता है कि जिस तरह से फिर बात आती है, आप करो, आपके आदमी मारपीट किया, घर में घुस के मारा, आपके आदमियों ने कर्मचारी को मारा, आप जेल गए, अधिकारी
सस्पेंड होते हैं उसको हटा दिया गया, लेकिन अब इन सब चीज़ों को कभी विपक्ष पर डाल देते हो, कभी अपना प्रोटोकॉल बता देते हो, तो क्या लगता है कि ये इस तरह से पूरा साजिश या इनके दिमाग में भरी हुई है? अब क्या भड़बड़ाहट है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या लग रहा है कि करना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आगे? ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है, अभी बीडी शर्मा जी आए हुए हैं, लेकिन वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं कि भैया ये गलत चीज़ है, उनको ना करो। और इनके जो सीनियर लीडर है वो मौनी बाबा बन जाते हैं, उनको जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति दिख रही है इन सब के पीछे। क्षेत्र के लोग कभी कहते थे कि शहाबुद्दीन जैसे व्यवहार करते, तो ऐसा नहीं लगता सिवान में भी ऐसा ना होगा कि सिवान बनाना चाह रहे हो आप, क्या दिखाना चाह रहे हो कि हम पहले हमारा आदमी जाकर मारपीट करता है, हत्या का प्रयास करता है, पकड़ा जाता तो आप जेल में जाकर उसको VIP ट्रीटमेंट दिलवाना चाहते हैं, तो दहशत की राजनीति भी चालू है कि अभिकास को छोड़कर दहशत? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सब लोग लोकतंत्र को अपने चंगुल में रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि सरकार सब कुछ होती है, पर अब दुर्भाग्य से ये लोकतंत्र है ना, यहाँ पे प्रजा सब देख रही है और जनता ही डिसाइड करती है। और ये जो मान अभिमान इनके ऊपर चढ़ा हुआ है वो जनता के वोट की वजह से है, और जनता देख रही है अब अगली बार पलटेगी सुनिश्चित। विपक्ष कमजोर है क्या? विपक्ष भी ज्ञापन दिया, थोड़ा सा यहाँ हो हल्ला किया, इसके बाद शांत हो जाता है। ऐसे में मुद्दों में आप कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, मीडिया अच्छे से काम नहीं कर पा रही, कार्यकर्ता काम नहीं कर पा रहा, आप एक तरफ डंडे बरसवाते हो, दूसरी तरह इस तरह का बर्ताव करते हो, विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष कमजोर है, और विपक्ष दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका यही रहता है कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ। अब सौभाग्य से ये नई राजनीति का उदय हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो इन दोनों की जो थाली चट्टे जट्टे, जैसे हमारे अरविंद जी ने कहा कि इनका इलू इलू का संबंध है, वो इलू इलू का संबंध खत्म करने अब झाड़ू आई है, और जनता के मुद्दों को पूरी शक्ति से उठा रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और हम लोग अब 22 के बाद मध्य प्रदेश में भी सुधार देंगे इन लोगों को, और जनता के मुद्दे से ही सुधरेंगे ये, क्योंकि लोकतंत्र है, वोट बैंक ही सब कुछ है, और लोकतंत्र का भाग विधाता जनता है, और जनता सब देख रही है। तो इस अति हो गई, हाँ, इसका बिल्कुल अंत सुनिश्चित है इस बार भैया। इसी बात पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आप पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी। शर्मा जी, इस समय जो रीवा की राजनीति चल रही है, जो विधायक हैं, पहले आप अधिकारियों से अनैतिक काम करवाओ, ना करें तो डंडा बरसाओ, अगर कर दिया तो ऊपर से कार्यवाही हो जाती, देखने को मिला जैसे सिरमौर में अभी जनपद CO भुगतान नहीं किया तो डंडे बरसे, जेल में विधायक जी गए और वो निरीक्षण करा दिया अधिकारी तो उसको लाइन अटैच हो गया। क्या मानते हैं, किस तरह का ये कार्यभार चल रहा है और क्या दिखाना चाहती है पार्टी? एक्चुअली क्या है कि अगर बात ली जाए कि सिमरिया विधायक के जेल के जाने भ्रमण के लिए, तो उसको जनता जो है भ्रमण ना समझे, क्योंकि वो उसको इस बात का गम है कि ये मरवाया पिटवाया मैंने और जो है मैं नहीं जा पाया इनके साथ में, और कोई पैरवी उस हिसाब से नहीं हो पाई, पर अब इस वक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, DGP महोदय मध्य प्रदेश और शिवराज सिंह चौहान, इस तरह से 307 के जो मुलजिम हैं, जिन्होंने एक जो है जो कार्य सेवक है, जो अब जो लोक सेवक है, उसको मारपीट, जिस प्रकार से CO जैसे पद में, गरिमामय पद में बैठे व्यक्ति को जिस प्रकार मारपीट की, उसके बावजूद जिस प्रकार दमंगई से इसका मनोबल तब बढ़ रहा है जब यहाँ के स्वच्छ छवि कहने वाले जो है राजेंद्र शुक्ला, जिनको इस प्रकार के तुच्छ व्यक्तियों को पालने की आदत है, और पूरे शहर में पूरे रीवा जिले का सबसे बड़ा भूमाफिया और सबसे बड़ा अपराधी जो प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो बोलता नहीं है, जो करता है, वो राजेंद्र शुक्ला जी हैं। तो राजेंद्र शुक्ला जी के सहमति से उनके अपने जो उन्होंने तब तक, ये देखिए उनका जन्मदिन था, पूरे शहर में होर्डिंग लगनी थी, होर्डिंग उनके KP त्रिपाठी की नहीं लगी, उनके साथ में इसलिए नहीं लगी क्योंकि कारण ये था कि उनको डर था कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी ऊपर की शासन प्रशासन, ऊपर का शिवराज सिंह चौहान क्या लेगा, उनके पोस्टर नहीं थे। जब इनका बुलावा जब भोपाल में हुआ, भोपाल में जब होने के बाद वहां से जब ये कि मैनेज करना है इसको, तो मैनेज कैसे होंगे, तो मैनेज करने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान ने
वो जो है राजन शुक्ला को जी की दुई। राजन शुक्ला जी ऑडिटोरियम में कृष्ण जन्माष्टमी जब मैं उनके गिरफ्तारी के लिए पानी में डूबा हुआ था, जल सत्याग्रह कर रहा था, तब वो ऑडिटोरियम में बैठा कर कृष्ण जन्माष्टमी में बाजू में एक अपराधियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति जो कि स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का है, बचपन से लेकर आज तक अपराधी के प्रोफेसर को मारना, कभी चंदा वसूलना, TRS कॉलेज के अंदर 10 रुपये वसूलना, ये सारे काम करना, और ये फिर इस कारण से कहा जा सकता है कि ये जो है इन छूट गए थे और इनके साथ में इनकी भी बुकिंग जरूरी थी क्योंकि इन्होंने मरवाया। मेरी गारंटी है कि मैं 10 साल जेल जाऊंगा अगर KP त्रिपाठी जी की कॉल डिटेल के साथ में ये सब ना मिल जाए कि ये सब लोग की बातचीत, पहले मेरे साथ मारपीट तब भी मैंने कहा था, आज भी चैलेंज कर रहा हूं मैं, नवनीत भसीन जी DGP महोदय मध्य प्रदेश, इस गंभीर मामले में जो है जिस प्रकार से इन्होंने बोला उसके बाद भी एक व्यक्ति जो कि विवेक गौतम जिसको 3 दिन तक थाने में रखने के बाद अचानक बोल रहे हैं उनकी तो हमने कागज में गिरफ्तारी नहीं की, थाने में बैठाए हुए तो गिरफ्तारी नहीं की, इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति को छोड़कर जिसका नाम CO साहब ने लिया था, उसको वो मोबाइल पहले से घर पे छोड़ के आया था, उस बात को छोड़, मोबाइल तो कोई अपराधी जाएगा क्यों लेके जाएगा लोकेशन, आपको छोड़ना इसका, इसको पहले तो इसको कमजोर करना था, फिर जिस प्रकार का इंटरव्यू पैसा देकर मेरे विपक्ष के लोग जो दोनों लोग विधानसभा का चुनाव सिमरिया से लड़ने वाले हैं, जो एक विधायक है एक पूर्व विधायक है, दोनों लोग जिस प्रकार से पैसा देकर, मैंने तो बिंध्या चैनल को ही बोला अमित भाई को कि मुझे जो है मेरा इंटरव्यू लेके बताओ, मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे हो, हम तो वहां पर विपक्ष के 5 साल मैंने मुकाबला किया है। सबसे बड़ी बात है कि जब विधायक कहते कि मेरा प्रोटोकॉल था, मैंने बात की, कोई ये नहीं सवाल करता कि काहे का प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी अधिकारी को गाली दो, किसी को कहो कि हमारे मीडिया प्रभारी के खाते में पैसा जमा करो, मेरे भाई के खाते में पैसा, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक तरफ आप कहते हो मेरा प्रोटोकॉल है मैं भ्रमण करने जाता हूँ, आप जेल जाते हो सुविधा दिलवाना चाहते हो, कहते हो मैं भ्रमण करने पहुँचा, यानी आपको जनता चुनी, 2 लाख आपके वोटर हैं, आपको 40,000 लोगों ने विधायक बनाया, विधानसभा में भेजा इसलिए कि आप विधानसभा में विधायिका में जाओ कानून बनाओ, लेकिन आप तो यहाँ गलत काम करो, कह दो कि मैं अपने विधायिका का उपयोग कर रहा हूँ, भ्रमण करने जाता हूँ, मेरा प्रोटोकॉल, इस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहते? देखिए सवाल उठाने वाले लोग जो हैं, जो 40,000 जो वोट पाए मेरे साथ में, 22 प्रत्याशी लड़े, उसमें से 2 प्रत्याशी जो हैं एक कांग्रेस के थे 40,000 वोट वाले और एक बसपा के थे 40,000 वोट वाले, ये दोनों एक साथ ठेकेदारी कर रहे हैं, किनके साथ? KP त्रिपाठी के साथ। और मैं जो है मैं एक मन से बेहद मजबूत और आर्थिक स्थिति से बेहद कमजोर व्यक्ति हूँ, लेकिन उसके बाद 4 साल तक मैंने आवाज़ उठाई इनके लिए, CO साहब को भी लेके यहाँ पर आया मैं किया, लेकिन ये जो बता रहे हैं अपना प्रोटोकॉल, इनका प्रोटोकॉल विधायकी का क्या प्रोटोकॉल है, वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है चीफ सेक्रेटरी जो बता रहे हैं कॉलम में कि चीफ सेक्रेटरी का है, तो चीफ सेक्रेटरी का अनुशासन करने के लिए मैं तो कहता हूँ, जिस प्रकार इन्होंने बताया और हमारे यहाँ के मूक दर्शक बने रहे कलेक्टर महोदय मिस्टर पुष्प, उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके इनके प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जो अपने प्रोटोकॉल में है, अपने प्रोटोकॉल आपने ध्यान दे दिया, CO का प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, CO अपने 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 काम करने के लिए आपने क्यों उसको मजबूर किया दलाली करने के लिए, आप दलाली करते फिर रहे थे और दलाली के झगड़े में जो है विधायक सांख्यिकी में आता है, सांख्यिकी विभाग है इनके लिए, आप सांख्यिकी विभाग के लिए आपने अपना प्रपोजल दे दिया, पास हो गया, सेंशन हो गया, ये तो काम कार्यपालिका का है, CO का है कि किस तरह से काम करवाना है, उसकी जांच करना है और इनके बाद लोकार्पण और भूमिपूजन कराना नेता का काम है, पर आप तो सीधे स्पष्ट होता है कि आपने गलत किया, फिर आप सीना फाड़ के चीख चीख के कह रहे हो कि मेरा प्रोटोकॉल था, मेरा काम है, मैं दबाव बनाऊँ, इस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, कलेक्टर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, आप जेल जाते हो, जेल वाला अगर कर्मचारी ना ले जाता हो सकता उसके ऊपर भी हमला होता, वो भ्रमण कराया, आप उसको अच्छी सुविधा देने की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं किए? 2 दिन की बात हो गई, आप वीडियोज की जांच करवाओ, क्या गए, कहां बात किए, आम व्यक्ति जाता है, पत्रकार जाता है, उसका मोबाइल बाहर रखाया जाता है, कैसे आप चले गए, कैसे एंट्री हुई, कौन कौन थे अपराधी लोग थे, इस पर भी कुछ बात क्या मानते हैं? हुई है, हटाया गया है, हाँ मैं हटाया गया, वो तो हमारे पास आया था कि वहाँ से जो है कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो है तो उनको ये जानना चाहिए था पहले कि 307 के अपराधियों से मुलाकात करने के लिए भ्रमण करने का अधिकार आज तक KP त्रिपाठी जी कितनी बार भ्रमण किए, कितनी बार ऐसे लोगों को भ्रमण करने का मौका दिया गया, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, क्या मुझे मौका देंगे भ्रमण करने के लिए, मौका देखने के लिए, एक राजनीतिक मुखिया होने के लिए जिले का क्या मुझे देंगे? कितने विधायक भ्रमण किए और भ्रमण करने के बाद आप जो है सीसी कैमरे में लिया जाएगा, क्या वो 307 के अपराधियों के भ्रमण करना था? और अगर वो उसकी मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल बताया था और कलेक्टर महोदय ने अपना प्रोटोकॉल नहीं बताया कि अधिकारियों का प्रोटोकॉल क्या है, जिस प्रकार से एक अधिकारी के साथ में मारपीट हुई, एक विधायक के लोग जो है, जो विधायक बनते आज ये विधायक कल नहीं रहेंगे, CO तो आज है, कल है, परसों है, कलेक्टर साहब आज रहेंगे, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार के मार हुई प्रशासन के ऊपर, ये तो मैं कहूंगा कि ये तमाचा
जो मार हुई है, जो पीठ में प्रहार हुआ है, ये प्रशासन के मुखिया, जिला मुखिया मिस्टर पुष्प के चेहरे पे तमाचा है और केपी त्रिपाठी ने तमाचा ही मारने की कोशिश की है। अगर इसी तरह चलता रहा तो तमाचा पड़ता रहेगा। गांधी जी का वो जमाना नहीं है, गाल दिया दूसरा गाल दिया, ये तो लगातार आपके साथ मारपीट हुई, मीडिया के साथ मारपीट हुई, और उसका कारण आज परिणाम ये सामने है कि अधिकारी के ऊपर मारपीट हुई। आप जेल जाते हो, आपको छूट दी जा रही है, आप प्रोटोकॉल बता दे रहे हो कि आप निरीक्षण करने पहुंचे, भ्रमण करने पहुंचे, तो आगे अभी साल भर है, एक साल है, तो क्या लगता है एक साल में क्या होगा? रीवा की जनता जो है इस वक्त ये दुर्दांत अपराधी जो पैसे के दम पे, ठेकेदारी के दम पे राजनेता बन रहे हैं, इनको रीवा जिले के लोग पहचाने और उस चेहरे को पहचाने। मासूम सा चेहरा राजेंद्र शुक्ला का, जो कि यहाँ के इस सब अपराधियों के पीछे इनका पूरा हाथ है, इनके बल के बिना ना कहीं भूमि के ऊपर कब्जा होता है, ना भूमाफिया हावी होता है, ना थाने के अंदर में गुंडा जो है उसके कार्रवाई पुलिस कर पाती है, ना किसी तंत्र में। इसलिए जो है यहाँ के सबसे बड़ा जो इस पूरे कार्रवाई को, इन सब अपराधियों को जो बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं, वो राजेंद्र शुक्ला हैं। उनका एक छोटा सा प्यादा जो है जिसका नाम केपी त्रिपाठी है, इस प्रकार के हटाने के लिए अब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इन सब लोगों को चुनाव आपको हराना होगा, तब जाके होश हवाले में आएंगे। और प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर बैठे हुए जो जिलाध्यक्ष हैं प्रशासनिक सेवा के, कलेक्टर महोदय को इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए अपने अधिकारियों को इतना प्रबल करना चाहिए कि कल अगर वहाँ पर मजबूती होती तो शायद इस प्रकार का निरीक्षण करने के लिए न भेजा गया होता, और भेजने के बाद इस प्रकार का दबाव देकर उनको निलंबित न होता। इसलिए रीवा की जनता जाने, इनको हराना, ठेकेदारों को हराना बेहद जरूरी है। जेल में वैसे तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है मुलाकात के लिए, जब उनके परिजन तक आते हैं तो उनको भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, गए हैं तो थोड़ा बहुत रियायत हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से छूट है और पूरे अपराधियों से मिलना, तो इसके लिए तो उनका अच्छा नहीं है, ये बहुत ही अनुचित है और गलत परंपरा को बढ़ावा है, क्योंकि शासन प्रशासन दबाव में रहता है तो ये छूट मिल जाती है लोगों को, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्पेशली किसी को आप अस्पताल में बुलाएं, उनको सुविधाएं दिलाएं, क्योंकि सब कैदी हैं, आपके लिए सबके बराबर है, लेकिन आपका कोई आदमी फंस गया है उसको विशेष सुविधा दिलाई जाए, ये तो कहीं से नहीं। और हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं कि जेल में जाते हैं तो जो व्यवहार होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों के साथ वो कभी होता नहीं है, और अपराधियों के साथ यदि अच्छा इस ढंग का बर्ताव हो रहा, हमने कह रहे कि अपराधियों के साथ 30 डिग्री का कोई व्यवहार हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो दूसरे कैदियों को जो व्यवहार होता है उस ढंग का होना चाहिए। लेकिन अब ये कोई विधायक का आदमी है, कोई मंत्री का आदमी है, तो ये गलत चीज़ है, गलत मैसेज जाता है। और फिर जैसे वहाँ हो गया अभी गुजरात में कि कुछ लोगों को छोड़ा गया बलात्कार के मामले में, एक तो बहुत ही अप्रिय बात थी, उसके बाद अभिनंदन होता है, तो ये तो अभिनंदन जैसा है, इनको जेल के अंदर ही अभिनंदन हो रहा है, बाहर तो अभिनंदन होगा ही, जब निकलेंगे फूल माला से लाद दिया जाएगा, मिठाई खिलाई जाएंगी, ये सब होगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और इसके पहले पता किया जाए तो ये कभी जेल नहीं गए होंगे इस मिलने के लिए, क्योंकि अभी ये घटना सीओ की हो गई, ये बड़ी निंदनीय बात है कि ये सरकारी कर्मचारी काम कैसे करेंगे, कोई कैसे काम करेगा। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जनभावनाएं हैं, लेकिन गुंडागर्दी के लिए तो आपको ये छूट नहीं मिली है कि आप कुछ भी करेंगे। हाँ, प्रशासन का तो रोल है, यदि चाहेंगे जो तो अपनी अपनी नौकरी बचाते हैं, वैसे कलेक्टर का के अंदर ही है ये सुपरविजन में, जेल की हायर अथॉरिटी तो कलेक्टर ही होता है, और जेल के अधीक्षक हैं, जेलर हैं, कोई भी यदि चाहे तो वो सब नहीं होगा, वो उनको नियम बता दिया जाएंगे, थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये मनमानी तो नहीं होना चाहिए। 19-20 होता है वो चलता है, उतना हम भी मान लेते हैं, लेकिन जो जिस ढंग से हो रहा है वो तो बहुत गलत हो रहा है। ये तो ये 8 विधायक हैं तो 8ों ऐसे करेंगे, पूरा अपराधियों का पूरा एक माहौल हो जाएगा पूरे से, और सत्तारूढ़ दल है कोई बोलेगा नहीं, तो हम लोग तो बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि ये गलत हो रहा है। एक मामला सामने आया सिरमौर चौराहे, सिरमौर जनपद को लेकर मारपीट हुई, फिर उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए, जेल गए, सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी उनसे मिलने गए, आपको भी जानकारी हुई, कैसे जानकारी हुई थी और फिर क्या आ गया, आप कदम उठाए? देखिए, सिमरिया विधायक जब से ये विधायक हुए हैं
तब से ये विवादित बयान और विवादित स्थितियों में ये हमेशा बने रहते हैं। चाहे सीओ को गाली देने का ऑडियो, धमकी देने का ऑडियो वायरल करवाना हो, शराब की दुकान में मारपीट करवाना हो, या अन्य कई यहाँ तक पत्रकारों की भी गाड़ियों में तोड़फोड़ या मारपीट की धमकी दिलवाना हो। और ये सीओ कांड जो हुआ उसमें सीओ के मुताबिक मेन भूमिका विधायक की थी, जबकि विधायक की के ऊपर क्योंकि सत्ता इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके कारण इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और इसमें चार लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोग फरार भी पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि एक विवेक गौतम नाम का व्यक्ति है उसके 307 का मुकदमा दर्ज है। सोशल मीडिया में लगातार वो खबरें भी पोस्ट करता है, पत्रकारों के भी खिलाफ खबरें पोस्ट करता है, विधायक जी के पक्ष भी पोस्ट करता है। अभी एक इनका इनके यहाँ का नौकर है मंजुल मैग मिश्रा, उसके जन्मदिन में भी ये लोग सब शरीक थे, यहाँ तक के पी त्रिपाठी के भाई भी थे। शासन और सत्ता का इतना दबाव है, पुलिस अधिकारी हो चाहे जेल अधीक्षक हो, जेल में इनके चार 307 के आरोपी बंद हैं, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, विधायक जी पहुँचे सभी नियमों को तोड़ते हुए। और जबकि ये जेल में एक नियम है, एक जगह है कि वहाँ वहीं पे आप मिल सकते हो, उसके अलावा कहीं भी नहीं मिल सकते। इन्होंने निरीक्षण का हवाला दे करके जेल अस्पताल तक पहुँचे सभी को लेकर के, यहाँ तक कि इनके साथ दर्जन भर लोग गए थे, सभी को लेकर के ये अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर कोई भी, क्योंकि वहाँ पर गंभीर अपराध में लिप्त लोग भी वहाँ अंदर बंद हैं, किसकी क्या दुश्मनी हो, क्या कैसे कुछ घटना भी घट सकती थी, पर सभी नियमों को विधायक जी ने तोड़ा। और आधे घंटे तक वहाँ पर सेटिंग के चक्कर में एक चौहान जी हैं उनके साथ में लगे रहे। अब उनकी सेटिंग हो पाई या नहीं, मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, आधे घंटे तक वहाँ पे थे, जो कि मैंने खबरें इसके वायरल किया और नरोत्तम मिश्रा जी को भी मैसेज किया और शिवराज सिंह जी के ओएसडी को भी मैंने खबर व्हाट्सएप की कि इसमें कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस तरह का जो माहौल निर्मित हो रहा है कहीं ना कहीं आने वाला समय के लिए घातक सिद्ध होगा। आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, प्रिंट मीडिया में रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहे, विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा एक प्रोटोकॉल की बात की जाती है, आप जनपद सीओ को गाली दे रहे हो कहते हो मेरा प्रोटोकॉल है, आप जेल में जाते हो निरीक्षण करने प्रोटोकॉल है, ये कौन सी परंपरा डालना चाहते हैं आप? देखिए, विधायक केपी त्रिपाठी खुद किसी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो जबरियन विधायक बन गए हैं। ये मैंने देखा था अभी जब सुखेंद्र सिंह मन्ना मऊगंज विधायक थे और वहाँ पे कार्यक्रम में शरीक हुए थे, जिसमें बीजेपी ने काफ़ी खिल्लियाँ उड़ाई थी कि बिना सुंदरलाल तिवारी को सूचना दिए हुए गए। मैं कहता हूँ कि अगर इनका दायरा अगर विधायक वही ना उससे तुलना की जाए कांग्रेस विधायक से, तो इनका दायरा सिमरिया में है। रीवा के दारू की दुकान में बैठ के धरना देना, मारपीट करवाना, वही लोग वीडियो फोटो में आ रहे हैं जो यहाँ पे थे, दारू की दुकान में थे, चाहे आपके सीओ कांड में हो। और जेल का निरीक्षण, क्या इन्होंने राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं क्या उनसे जानकारी ली, या राजेंद्र शुक्ला का काम इनको पसंद नहीं है, या राजेंद्र शुक्ला जी के कारण जेल में पूरी अच्छी व्यवस्था नहीं है, या ये मंत्री हैं, ये इनका कोई प्रोटोकॉल जेल के अंदर ये सब करने का नियम नहीं था, ना किसी से इन्होंने परमिशन ली। ये मन वहाँ सरकार का ध्वंस दिखाते हुए नियम विरुद्ध तरीके से ये अस्पताल के अंदर तक पहुँचे। एक गैंग काम कर रही है, चाहे प्रशासन पर हो, मीडिया पर हो, कुछ भी हो, अपशब्द करना हो, गुंडाई हो, दादागिरी हो, क्या एक गैंग है इनके साथ या कोई गैंग ट्रूप काम कर रही है? इनके पास ये दर्जन भर इनके कर्मचारी हैं जो कि फर्जी आईडी बना करके फेसबुक में खबरें पोस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने या हमने या किसी पत्रकार भाई ने कोई खबर दिखाया, इनके फेवर में वो खबर ना रही, तो उस पत्रकार के विरुद्ध ये लोग खबरें दिखाते हैं, फोटो अनाप शनाप बना के पोस्ट करते हैं कि वो दब जाए और ये दोबारा हमारे तरफ पोस्ट ना करे। पर जो पत्रकार पत्रकारिता करता होगा वो सच्चा पत्रकार हो, कभी इनसे डरने और दबने वाला नहीं है। खबर इस तरह जारी रहेगी, खासकर मैं बता दूं कि मैं तो इनसे डरने वाला नहीं हूँ, खबर जब तक मिलती रहेगी तब तक मैं पोस्ट डालता रहूँगा। प्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिस कप्तान और कलेक्टर की भी भूमिका है, क्योंकि ऐसे कार्यवाहियाँ होनी चाहिए इनके खिलाफ जो अपशब्द करते हैं, जिनको छूट देते हैं, गाली देते हैं। कलेक्टर के निचले तबके का अधिकारी होता है जिला जनपद सीओ, उसको धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है, तो क्या मानते हैं जो छूट मिली हुई है प्रशासनिक छूट भी है? बिल्कुल, मैं हाल एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ आपको, मेरा हाल किसी अपराधी से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ कोई घटना हुई है, आपके भी चैनल में दिखाया गया है, जो जिसके साथ घटना हुई उसके बयान के हिसाब से सारे जितने लोगों के लिए बयान दिया उस व्यक्ति ने, पीड़ित ने, कि हमारे साथ ये घटना घटित हुई, ये सम्मिलित थे, सबके ऊपर मामला दर्ज हुआ। और यहाँ तक कि बिना सिंह, पता चला कि बिना सिंह बघेल के ऊपर NSA भी लगा दिया गया। पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना वीडियो है, ना कुछ है, पर शराब दुकान के सामने का मारपीट का लाठी डंडा लिए हुए इनके पूरे भाजपा कार्यकर्ता या इनके साथियों के पास बेसबॉल का डंडा दिखता है,
सीओ का ऑडियो वायरल होता है, सीओ एक अधिकारी है ना, कोई रोड चलने वाला कोई तुच्छा तो है नहीं, ऑडियो है और उसके साथ ही गंभीर मारपीट होती है, उसकी पता चल रहा है कि एक आँख भी खराब हो गई है। पर आज तक विधायक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, 307 के आरोपी ऑलरेडी फरार हैं। इनकी प्रणाली कैसे है, कार्य करने का क्या ढंग है? विधायक जी की कार्यप्रणाली तो सिमरिया की जनता और रीवा की जनता देख ही रही है कि ये अपने रीवा का कल्चर और ये इस तरह अपने मातृभूमि में नहीं है जैसे विधायक जी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिवान बना दिए हैं, सिवान के शहाबुद्दीन के जिस दर्जा दिए है सिमरिया की जनता ने, वो बिल्कुल विधायक जी ने सिद्ध कर दिया कि शहाबुद्दीन से कम नहीं है। वो जेल में जिस तरह ये धौंस दिखाते हुए अपने विधायक का कि हम निरीक्षण करने आए हैं और अपने 307 के आरोपियों से मुलाकात की वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए, ये साफ सिद्ध हो रहा है कि ये शहाबुद्दीन से आदर्श ऐसे ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य सिमरिया की जनता जैसे शहाबुद्दीन बोल रही थी, उनको बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि ये हैं शहाबुद्दीन। दिखाते हैं सोशल मीडिया में वायरल फोटो और वीडियो जो सिमरिया क्षेत्र में इन दिनों धूम मचा रहे हैं। हालांकि विराट 24 न्यूज इस तरह के वायरल वीडियो और फोटो की घोर निंदा करता है, लेकिन लोग इस तरह के फोटो वीडियो देखकर जमकर चटखारे लगा रहे हैं। किस तरह से विधायक के गलत कारनामों के चलते शासन और प्रशासन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, वहीं इनके कारगुजारियों का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भोगना पड़ रहा है। जिस जनता जनार्दन की वोट पाकर सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं, उसी जनता का शोषण किया जा रहा है, तब वही जनता इनको किस तरह की उपाधि दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और प्रदेश के गृह मंत्री विधायक के उक्त कारनामों की निष्पक्ष जांच कराकर अपनी पार्टी की छवि को कायम रख पाते हैं, या विधायक को इस तरह के कारनामों को करने की छूट मिली रहती है। अपने आसपास की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।